गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट 6, वी हैव स्टार्टेड यूनिट 6। टुडेज टॉपिक इज शेप्स अराउंड अस। वी हैव मैनी शेप्स अराउंड अस लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, सर्कल, ट्रायंगल। ओपन द पेज नंबर 106 एंड सी क्लॉक शॉप इन योर बुक। क्लॉक्स आर डिफरेंट शेप्स। हियर क्लॉक शॉप में यहाँ देखिए, यहाँ मैनी क्लॉक्स दी हुई है। सो क्लॉक्स आर इन डिफरेंट शेप। यहाँ क्लॉक अलग अलग शेप में है। फॉर एग्जाम्पल सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार, etc। शेप्स आर ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ कई तरह के शेप्स होते हैं। सी एट द होम अलमीरा, अलमीरा शेप इज रेक्टेंगल। कैरम, कैरम शेप इज स्क्वायर। प्लेट, प्लेट इज सर्कल शेप्स। प्लेट का सर्कल शेप में है। वी फाइंड वेरियस शेप्स एंड ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ शेप्स। वी सी देम इन फ्रूट्स, पिज्जा, रोड साइंस, आवर फेस एंड अदर बॉडी पार्ट्स, माउंटेन्स, डिजाइंस ऑन फ्लोर। इस तरह से हम हमारे चारों तरफ कई शेप्स देखते हैं। हम फ्रूट्स में भी, वेजिटेबल में, घर पे और ऑब्जेक्ट हैं जैसे LED, साइकिल के व्हील्स, इनमें साइकिल के व्हील सर्कल है। तो हम हमारे चारों तरफ मैनी शेप्स देखते हैं। सो देखिए, शेप्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। दिस शेप इज स्क्वायर, दिस शेप इज स्क्वायर। ये शेप स्क्वायर का है। स्क्वायर हैज फोर साइड्स। काउंट करिए 1, 2, 3, 4। स्क्वायर हैज फोर साइड्स। स्क्वायर हैज फोर कॉर्नर्स। 1, 2, 3, 4। इट इज कॉर्नर्स। स्क्वायर जिस साइड से मिलके बना हुआ है, जिस लाइन से हमने ड्रॉ किया है, वो साइड्स होती है। तो स्क्वायर हैज फोर साइड्स। स्क्वायर में फोर साइड्स होती है एंड फोर कॉर्नर्स होते हैं। जहाँ टू साइड्स आके मिलती है वह एक कॉर्नर बनाती है। तो यहाँ देखिए, वन साइड एंड टू साइड्स। तो ये टू साइड्स इस पॉइंट पे आके मिली, तो यहाँ वन कॉर्नर बना। तो स्क्वायर हैज फोर कॉर्नर्स एंड फोर साइड्स। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है। ये साइड जितनी है उतनी ही लेंथ इस साइड्स की होगी, उतनी ही लेंथ इस साइड्स की है। ये स्क्वायर में फोर साइड्स होती है, फोर साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो स्क्वायर
has four sides and four corners and all sides are equal. Square के example clock, clock देखिए आप square shape में होती है, rectangle में भी होती है, किसी भी shape में हो सकती है, लेकिन अपन identify करें उसको कि किस shape में है, तो हमें ये ध्यान में रख के करना पड़ता है इसको शो कि उसमें कितनी साइड से साइड्स इक्वल है या नहीं. सो क्लॉक स्क्वायर शेप में है, आपके यहाँ टाइल्स घर पे फ्लोर पे आपके टाइल्स लगी हुई है उनको देखिए, उसमें भी सब साइड्स इक्वल है. सो टाइल्स इज एग्जांपल ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर शेप का टाइल्स भी एक एग्जांपल है. इसी तरह से रेक्टेंगल सेकंड शेप, कैरम है, कैरम में भी ऑल साइड्स इक्वल होती है, वो भी स्क्वायर शेप का एग्जांपल है. सेकंड शेप देखिए आप रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में फोर साइड्स होती है, रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स मीन्स आमने सामने की, ये इसके जस्ट अपोजिट है ये साइड, तो ये साइड जितनी है लेंथ उसी लेंथ की ये साइड्स होगी, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये साइड्स दोनों आपस में इक्वल होगी, इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती है रेक्टेंगल में. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर. What is the difference? Square and rectangle. अब यहाँ हम देखें square और rectangle में क्या difference है. तो यहाँ देखिए दोनों में four sides है, दोनों में four corners है, but square की all sides equal है और rectangle में opposite sides equal होती है. So इनमें square and rectangle में difference क्या हुआ? What is the difference? Square and rectangle. All sides are equal in the square and opposite sides are equal in the rectangle. Third shape. बर्थडे केप होती है ऊपर से, हमारे पास तिकोनी होती है, थ्री साइड्स होती है, एक नीचे सर्कल शेप में होती है, बट वो तो आप उसको 3D शेप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम प्लेन शेप में ट्राइंगल का एग्जांपल सैंडविच ब्रेड की स्लाइस को देखिए, होने में वो हमारे पास स्क्वायर शेप में है, बट अगर हम उसके टू पार्ट कर रहे हैं ब्रेड की स्लाइस के, स्क्वायर शेप में होती है ब्रेड स्लाइस, बट उसके हम टू पार्ट्स कर दें
तो टू पार्ट्स हम सैंडविच बनाते हैं तब करते हैं, तो यहाँ टू पार्ट्स कर दिए हमने, तो वो हमारे ट्राइंगल शेप हो गया बिकॉज इट हैज थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर्स। सो सैंडविच ट्राइंगल का एग्जांपल है। इसी तरह से आप रोड पे रोड साइंस को देखिए, जहाँ ट्रैफिक लाइट का उस जिस पे ट्रैफिक लाइट है तो कभी कभी वो ट्राइंगल शेप में बना हुआ होता है, कभी रेक्टेंगल शेप में, तो वहाँ हमें साइड्स एंड कॉर्नर्स देख के आइडेंटिफाई करना होता है। इसी तरह से नेक्स्ट शेप सर्कल, सी आई आर सी एल ई सर्कल। दिस शेप इज सर्कल। सर्कल में हमारे पास साइड्स एंड कॉर्नर्स नहीं होते हैं, ये कर्व लाइन से ड्रॉ किया जाता है। तो सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स। इट्स एग्जांपल आपकी शर्ट पे बटन देखिए, बटन बिल्कुल राउंड शेप में है तो सर्कल का एग्जांपल है। घर पे प्लेट देखिए आप, प्लेट भी राउंड होती है तो वो सर्कल का एग्जांपल है। साइकिल के व्हील्स को देखिए, सो सर्कल के एग्जांपल बटन, व्हील्स, केप, बॉटल का केप राउंड शेप में है। इसी तरह से फिफ्थ शेप है हमारे पास, ये बिल्कुल सर्कल में नहीं होके एक टाइप में होता है, इसको हम बोलते हैं ओवल शेप। ओवल शेप जस्ट लाइक ए एग, ओवल शेप एग के का शेप होता है, उस शेप के जैसा होता है। तो इसका एग्जांपल हो गया ओवल का एग, एंड कभी कभी पपैया वगैरह ये होते हैं फ्रूट्स में, ये भी ओवल शेप में हो जाते हैं। आप टैबलेट को देख लीजिए, कभी मेडिसिन में टैबलेट आती है हमारी दवा वगैरह में, कैप्सूल वगैरह, तो वो भी ओवल शेप में होते हैं। यस, एक्सरसाइज सिक्स है, ट्रेस एंड कलर द फॉलोइंग शेप्स, आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम्स बिलो द ऑब्जेक्ट। यहाँ हमें मैनी शेप्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज सिक्स में, शेप्स को देखकर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा शेप है। ए गेट, गेट देखिए आप अपने, दिस शेप इज द गेट, रेक्टेंगल। वाई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड गेट हैज फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स, सो शेप ऑफ गेट इज रेक्टेंगल। गेट का शेप देखिए आप, गेट का शेप इनमें अपोजिट साइड्स इक्वल है और फोर साइड्स है, फोर कॉर्नर्स है, तो गेट का शेप रेक्टेंगल हो गया। इसी तरह बी में हैंगर दिया हुआ है हमारे पास, अलमीरा में हम उस पर क्लॉथ को हैंग करते हैं, तो हैंगर को देखिए आप, वो हमारे पास किस शेप में है, ट्राइंगल। तो यहाँ आपको शेप को आइडेंटिफाई करके इनके नेम लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नेम लिखने हैं शेप के, आइडेंटिफाई करके, डू इट सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, जॉइन द डॉट्स टू ऑब्टेन द शेप्स गिवन अलोंग साइड, शेप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज आल्सो। यह हमारे पास मैनी
डॉट्स दिए हुए हैं और ये शेप हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्टार। तो यहाँ इन डॉट्स को मैच करते हुए हमें डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करने हैं। इस तरह से आपके डॉट्स दिए गए हैं। इन डॉट्स को दिस शेप इज स्क्वायर, इसके सामने हमारे बुक में स्क्वायर दिया है तो यहाँ हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है। अब स्क्वायर डिफरेंट शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ देखिए सी ऑन द पेज नंबर 107 पे यहाँ हमने स्क्वायर ड्रॉ किया, ये स्मॉल स्क्वायर एंड ये बिग स्क्वायर। डॉट्स को जॉइन करना है, इन डॉट्स को जॉइन करके जिस शेप में आप ड्रॉ करो तो लाइन को ड्रॉ करके शेप बनाना है। इसी तरह से हमने यहाँ देखिए रेक्टेंगल शेप, स्लीपिंग में है यहाँ रेक्टेंगल, स्टैंडिंग नहीं है अपने, स्लीपिंग में है, यहाँ स्टैंडिंग में है रेक्टेंगल, तो यहाँ स्लीपिंग में है तो हमें रेक्टेंगल को मैनी शेप में ड्रॉ करना है, मैनी साइज में, सॉरी मैनी साइज में, कई साइज में। तो यहाँ देखिए मैंने छोटा स्मॉल रेक्टेंगल ड्रॉ किया है एंड यहाँ बिग रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। इसी तरह से ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्टार आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ देखिए बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम स्टार बनाना नहीं आता, तो आपको स्टार ऐसे मैच करके बनाना है। स्टार भी हम डॉट को जॉइन करके बना सकते हैं। This shape is star. Today's homework is exercise 6A. Do exercise 6A in your book. बुक में आपको एक्सरसाइज 6A कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट।